नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त केएन मौर्या और आप देख रहे हैं जहर मुक्त खेती। धान की खेती भारतवर्ष में बड़े पैमाने पे की जाती है और धान में बहुत सारे लोग ना जानकारीवश बहुत सारी केमिकल का स्प्रे कीटों से बचने के लिए करते हैं। जिन कीटों से बचने के लिए आप जहर का इस्तेमाल करते हैं, उन कीटों से आप चाहें तो बिना पैसे के फ्री ऑफ कास्ट भी बचा जा सकता है। इसी मुद्दे पे मैं धान में इस समय आने वाली बीमारियों पे, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार धान खड़ा है, इसी मुद्दे पे मैं बात करूंगा कि आप किस तरह धान में लगने वाले कीटों पे कंट्रोल पा सकते हैं। 3-4 तरह के कीट अभी आपके खेतों में लगेंगे। पहला, इस समय जब धान लगा लेंगे और कुछ बड़ा होगा तो पत्ता लपेट लगेगा, जिससे हमारे बहुत सारे किसान भाई परेशान रहते हैं और दुकानों पे जा करके बहुत ज़्यादा पैसे का जहर खरीद के लाते हैं और उसे अपने खेतों में डालते हैं। जो अपने खेतों में डाल रहे हैं वो वही नहीं रहने वाला, आपके घर में भी जाता है, आपके बच्चे भी खाते हैं। तो मैं आज जो तकनीक बताने वाला हूँ, उस तकनीक से आप जहर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, फिर भी आपके खेतों में कीट बिल्कुल भी नहीं आएगा। थोड़ा सा एक्सरसाइज आपको करना होगा। जैसे इस धान की फसल को देखें, इसमें कोई भी कहीं भी रोग नहीं है। थोड़ा दिखाइएगा नीचे, ये देखें। और मित्र कीटों की बात करूं तो इस खेत में जब मित्र कीटों की बात करूं तो देखिए, मित्र कीटों की भरमार लगी हुई है। ये मित्र कीट है हमारे हाथ पे, यदि आप देख सकते हो तो इस खेत में हमने क्या किया है कि पत्ता लपेट एक ऐसा कीट है जो जब लगता है तो वो आपके पत्तों को, ये धान का जो पत्ता है इसको लपेट देता है और खाना शुरू कर देता है। इसके लिए आपको बहुत सारा कुछ नहीं करना है, छोटे छोटे कुछ काम करने हैं। एक तो वीडियो के एक तरफ मैं दिखा रहा हूँ आपको, जिस तरह से ये लड़का अपने खेत में धान लगाने के बाद पाटा लगा रहा है, उस तरह आप अपने खेत में पाटा लगाइए। पाटा लगाने का, पाटा पूर्वी उत्तर प्रदेश में हेंगी कहते हैं, हेंगी भारी हो जाएगी, थोड़ा हल्का पटरा रहे और उसे लेकर के घूमते जाइए। ये धान का पौधा इस तरह से केवल नीचे हो जाए, ऐसे नीचे हो जाए, फिर ये खड़ा हो जाएगा, इसे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये फिर खड़ा हो जाएगा। ये हिल जाना चाहिए, यानी ऐसे ये हिल जाएगा तो इससे क्या होगा, पत्ता लपेट जो कीट है, एक बार यदि आपके पत्तों से नीचे गिर गया तो वो मर जाएगा, चढ़ नहीं पाएगा। इससे क्या होगा कि आप फ्री ऑफ कास्ट आपका कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा, यदि आप हेंगा नहीं लगाना चाहते तो नारियल की रस्सी, नारियल वाली जूट वाली रस्सी आपको मोटी वाली मिल जाएगी, कम से कम एक अंगुल मोटी होती है, उसे क्या करना है, एक व्यक्ति को 15 मीटर दूर खड़ा करिए, 15-20 मीटर की रस्सी लीजिए, दो लोग होइए और रस्सी को इसकी जड़ के पास तक ले जाइए और एक तरफ से हिलाते हुए, ऐसे हिलाते हुए पूरे खेत में आराम से चल लीजिए। इससे क्या होगा, इससे भी हिल जाने की वजह से पत्ता लपेट कीट जो है वो नीचे चला जाएगा, और जब पत्ता लपेट कीट नीचे चला जाएगा तो किसी भी प्रकार की नुकसान, किसी भी प्रकार का हानि आपको नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो मर जाएगा। दूसरी चीज, अब इसमें लगते हैं छोटे छोटे कीड़े, बहुत जगह पे छोटे छोटे कीड़े लगते हैं या पत्ते पीले होने लगते हैं। ये पत्ता है, ये किनारे से पीला होना शुरू करेगा। इसके लिए आप अपने खेत में 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है। एक तो खट्टी लस्सी का स्प्रे कर सकते हैं, मंठा जिसे हम छाछ बोलते हैं, उसको यदि आपने मटके में 10-15 दिन रख दीजिए और 15 दिन रखने के बाद वो जब पूरा सड़ जाए, महक आने लगे, तो 15 लीटर पानी में 1 लीटर डाल करके उसका स्प्रे करेंगे तो उससे भी कलर, इस लाजवाब खेत का आप कलर देख सकते हैं, कलर बहुत ही शानदार बना हुआ है, तो कलर एकदम बना रहेगा। और दूसरी चीज कि आपके खेत में वो कीट भी कंट्रोल हो जाएगा। तीसरी बात, बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि धान हमारा जितना हरा रहेगा उतना फायदा करेगा, उतना ज़्यादा उत्पादन होगा, तो ये सही नहीं है। इस चक्कर में जो आप रासायनिक फर्टिलाइजर यानी यूरिया का प्रयोग अधिकतम रूप में करते हैं, अधिक मात्रा में यूरिया का प्रयोग कदापि न करें। यदि आप अधिक मात्रा में यूरिया का प्रयोग करेंगे तो उससे आपके खेत में कीट बढ़ेंगे, क्योंकि यूरिया जैसे ही आप डालेंगे 4-5 दिन बाद रस चूसने वाले कीटों की संख्या आपके खेतों में बढ़ जाएगी। तो ये गलती कभी न करें और आप अपने खेत में बिना केमिकल के इन कीटों को स्प्रे करके बचाया जा सकता है।
तीसरी चीज जो फंगस लगती है उसमें आप खट्टी लस्सी का भी स्प्रे करेंगे तो भी कंट्रोल होगा, नहीं तो आक के पत्तों का बना हुआ रस या आक का पत्ते का बना हुआ चूर्ण यदि आपके पास है, चूर्ण है आपके पास, तो उसको भी एक एकड़ में आधा लीटर पाउडर को छान करके बना लीजिए। एक एकड़ में आधा लीटर यदि आधा किलो उसको 200 लीटर पानी में घोल करके यदि स्प्रे करते हैं भिगाते हुए, तो आपके खेत में कहीं भी जिस तरह इस खेत में देख रहे हैं कि कोई रोग नहीं है, उस तरह आपके खेत में भी कोई रोग नहीं आएगा। इसके अलावा और भी कोई रोग यदि आपके खेत में आते हैं तो उसके लिए मैं स्पेशल प्रयास कर रहा हूँ कि आपको एक एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ कि आप खुद जहर से बचें, अपने परिवार को बचाएं, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बताइएगा ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।